अगर आप मीरा रोड में पूरे हिंदू लोकैलिटी में अगर आप घर देख रहे हैं 1 BHK का फ्लैट, तो अभी मैं जो आपको 1 BHK दिखाने जा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल परफेक्ट घर है। करीबन 600 से 700 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है पूरा ये। आइए देखते हैं इसका 1 BHK का प्रॉपर्टी किस टाइप का, यहाँ से व्यू वगैरह, म्यूनसिपैलिटी का गार्डन, बिल्डिंग का गार्डन, कॉम्प्लेक्स में बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे वैसा वैसा मैं आपको दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर CP एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इसी यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए देखते हैं ये प्रॉपर्टी का प्राइजिंग साइजिंग वगैरह क्या है। अभी मैं 1 BHK का प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूं। यूनिक ऑरम बिल्डिंग का नाम है, और आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पे बालकनी बनाया हुआ था बट बालकनी को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, जिससे 3 से 4 फुट का जगह बढ़ गया है। और व्यू यहाँ से सीधा सीधा आपको सनराइज़ का यानी ईस्ट का व्यू मिल रहा है, क्योंकि हायर फ्लोर पे 16th 17th फ्लोर पे हम खड़े हैं, तो उसके हिसाब से इसका फ्लोर बनाया हुआ है। और बिल्डिंग पूरी 20 माले की बिल्डिंग है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। इधर आपको TV यूनिट का एक एरिया दिया हुआ है, इन्होंने TV यूनिट बनाया नहीं है बट स्पेस आपको 3 फुट का दिया हुआ है, तो आप चाहें तो अलग से सेपरेटली TV यूनिट बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, हाइट वगैरह देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वुडन्स का फॉल्स सीलिंग किया हुआ है। और इसके बाद हम आ जाते हैं पैसेज में। पैसेज में आने के बाद इस तरफ आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम, अभी सामने किचन है। किचन में भी आप देख सकते हैं इस तरफ वाटर टैंक का स्पेस है और फ्रिज का स्पेस। साथ ही साथ यहाँ पे भी बालकनी को इन्होंने एक्सटेंड कर लिया है, और यहाँ से भी व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत, सेम जो आपको लिविंग डाइनिंग यानी हॉल से जो व्यू मिल रहा है वैसा ही ओपन व्यू। सामने कोई इतना हाई राइज टावर नहीं है, इसीलिए पूरा ओपन व्यू आपको मिल रहा है। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम का क्या प्लस पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक अलग से जगह दिया हुआ है कपड़े धोने के लिए और सुखाने के लिए, ड्राई एरिया दिया हुआ है जो काफ़ी बड़ा ह्यूज है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, और इस तरफ इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का, और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। इस तरफ आप देख रहे हैं इतना बड़ा स्पेस, एक्स्ट्रा यूटिलिटी स्पेस आपको मिल रहा है। ये मैंने आपको अभी मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखाया, जिसमें बड़ा सा ड्राई बालकनी है जो बहुत कम फ्लैट्स में देखने को मिलता है। अभी मैं आपको बेडरूम दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे भी बालकनी था इसका करीबन 2 से 3 फुट का, आप ये देख सकते हैं ये स्पेस बालकनी का। ये वॉल लिया हुआ है, ये वॉल के आगे का बालकनी इन्होंने तोड़ के एक्सटेंड कर दिया है, तो ये जगह भी बड़ा हो गया। और यहाँ से भी सीधा सीधा आपको हिल व्यू, माउंटेन व्यू मिलता है, पीछे का संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू आपको मिलता है। और एक बार विंडो के साइड से स्पेस देखें आप, यहाँ पे वार्डरोब का स्पेस है। वार्डरोब आप फिक्स इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने मूवेबल रखा हुआ है क्योंकि इनको बेचना था। अभी आप लेने के बाद काफ़ी कुछ इसमें काम कर सकते हैं क्योंकि स्पेस काफ़ी बड़ा दिया हुआ है। करीबन 500 स्क्वायर फुट के आसपास ये फ्लैट हो गया है बालकनी एक्सटेंड करने के बाद। पहले कुछ 430 के आसपास था इसका। तो ये इधर का वार्डरोब का स्पेस है। एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर से हम आ गए हैं लिविंग डाइनिंग एरिया में। लिविंग डाइनिंग एरिया का एक बार सराउंडिंग, इसमें आपको वैकेंट फ्लैट मिलने वाला है, खाली फ्लैट मिले, फर्नीचर आपको कुछ भी नहीं आएगा। प्राइजिंग में थोड़ी देर में आता हूँ मैं, और यूनिकॉरम के पैसेज में खड़ा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस टाइप का इसका पैसेज है, और एक फ्लोर पे 8 फ्लैट और 3 से 4 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और 2 स्टेयरकेस है। अब चलते हैं नीचे, मैं आपको गार्डन वगैरह दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है इन्होंने। आप ओपन स्पेस इसका बहुत ही ब्यूटीफुल दिया हुआ है चारों साइड बिल्डिंग में, और ये बिल्डिंग का एलिवेशन है। भाई मैं एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ आपको, हर एक विंग का एंट्रेंस लॉबी इतना ही खूबसूरत बनाया हुआ है। ये पूरा इसका एंट्रेंस लॉबी है, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस के साथ में। सिर्फ स्टेयरकेस, वे आगे गार्डन वगैरह देखते हैं। अभी मैं आपको यूनिक ऑरम मीरा रोड का
गार्डन ये पोडियम पे बना हुआ है, इसके नीचे पार्किंग है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीनरी मेंटेन किया है इन्होंने। बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है, एमपी थिएटर दिया हुआ है। इस तरफ आपको मिलता है किड्स प्ले एरिया, इधर आपको चेस एक्टिविटी के लिए मिल जाता है। यहाँ पे स्टेज एक्टिविटी के लिए जगह दिया हुआ है। इस तरफ आपको मिनी एमपी थिएटर टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल ये गार्डन इन्होंने डेवलप किया हुआ है। अभी मैं आपको पार्किंग, ये है इसके ऊपर मैंने गार्डन दिखाया है, ये पूरा इसका पार्किंग का स्पेस है, जिसमें आपको पजल पार्किंग मिलता है, 3 ट्रैक का टेक पार्किंग भी बोल सकते हैं लोग अपने अपने हिसाब से। गाड़ी ऊपर नीचे इसमें पार्क होता है और पूरी तरह से सेफ्टी रहता है। कार पार्किंग, बाइक पार्किंग ये पूरा बना हुआ है। फ्लैट के साथ में अगर आपको पार्किंग चाहिए तो आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। अभी आगे देखते हैं क्या है। ये बहुत ही पीसफुल लोकेलिटी है। बगल में आप देख सकते हैं इस तरफ एक बड़ा सा म्यूनिसिपल गार्डन है, BMC का गार्डन है, बहुत ही फुल्ली डेकोरेटेड किया हुआ है। और ये इसका एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है। तो बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन है, नीचे कुछ यहाँ का इन्वायरमेंट दिखा रहा हूँ, जो रहने के लिए बहुत ही पीसफुल लोकेलिटी है ये। अब आइए, ये सिक्योरिटी केबिन मिल रहा है, यहाँ से आपको एंट्रेंस मिल रहा है। बहुत ही सिक्योर एंड सेफ सोसाइटी है ये, बहुत ही पीसफुल लोकेलिटी बोल सकते हैं। अब आगे और देखते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnavar. अभी जो मैंने आपको unique Aurum का 1 BHK का flat दिखाया है, ये 20-20 माले का 4 society है, इसमें एक इस तरफ है और एक, दो, तीन और ये के चार, चार विंग्स पूरे बने हुए हैं इसमें। एक सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि मीरा रोड के लोकेशन में पूरा हिंदू लोकेलिटी का ये कॉम्प्लेक्स है और करीबन 600 से 700 फ्लैट है पूरे कॉम्प्लेक्स में। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, लोकेशन इसका पूनम गार्डन में है, मीरा रोड ईस्ट में, जो स्टेशन और हाईवे लगभग दोनों के बीच में पड़ता है। दोनों यहाँ से 2-2, 3-3 मिनट में आप पहुँच जाते हैं, 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस में। यहाँ से मेट्रो स्टेशन आपको हार्डली 1 से 1.5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, ये समझ लें आप। अभी जो मैंने फ्लैट आपको दिखाया है, ये एक्चुअल 430 स्क्वायर फुट का है, बट बालकनी वगैरह इन्होंने ब्रेक किया है, तोड़ा है और उसको एक्सटेंड कर दिया है, तो ये करीबन 500 स्क्वायर फुट का फ्लैट हो गया है, 500 स्क्वायर फुट का फ्लैट है। इसमें एक एक्स्ट्रा ड्राई बालकनी, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ड्राई बालकनों को भी अगर आप ठीक से बनाएंगे तो लगभग 100 स्क्वायर फुट का जगह आपका बढ़ जाएगा, 100-125 स्क्वायर फुट का जगह बढ़ जाएगा। अब आते हैं प्राइजिंग पे। प्राइजिंग में इसमें जनरली 70-75 लाख में फ्लैट्स मिल जाता है। ये फ्लैट इन्होंने बनाया है, एक्सटेंड किया है, इसका 80 लाख रुपीस प्राइज है, जो नेगोशिएबल है वो हम बात कर सकते हैं मीटिंग में, जो 75 और 80 के बीच बीच के अमाउंट में होगा। इसमें हमारे पास 2 BHK के फ्लैट्स भी है, जो 95 लाख से स्टार्ट है और 1 करोड़ 30 लाख तक, 1 करोड़ 20 लाख तक, 1 करोड़ तक में भी है। तो अगर आप यूनिक और हम जैसे हिंदू लोकेलिटी वाले सोसाइटी में 1 BHK 2 BHK देख रहे हैं तो आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। इसमें 1-2 जोड़ी सब टाइप के प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है और कनेक्टिविटी यहाँ से स्कूल कॉलेज ये सब आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुँच जाते हैं। इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट, नए नए प्रोजेक्ट, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी का वीडियो मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि कई बार हमने काफ़ी सारे लोगों को सस्ते में प्रॉपर्टी दिलवाया है, जो अर्जेंट सेल में आता है, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। और बाकी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर फ़ोन करें। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।